पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने जो सोलन जिला के विकास में कई इबारतें लिखी हैं, आज भी अगर आप सोलन के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं तो उनके द्वारा किए गए विकास उनके साक्षी होंगे। सोलन के गंज बाजार में बना सुंदर पार्क भी उन्हीं की देन है, लेकिन आज ये पार्क अपनी दुर्दशा पर बदहाली के आंसू बहा रहा है। हद तो इस बात की है कि इस पार्क के बाहर लगी उनकी नाम की पट्टिका वहां से गायब हो चुकी है। ये किसी शरारती तत्व ने गायब की है या वह क्षतिग्रस्त हो गई है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। आपको बता दें कि सोलन में कांग्रेस नेताओं को इस घटना की भी जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके दिग्गज नेता क्यों खामोश हैं, ये सोचने वाली बात है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन को भी की है, लेकिन जब कांग्रेस नेता ही चुप्पी साधे हुए हैं तो प्रशासन क्या करेगा। अब पार्क के बाहर केवल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उद्घाटन पट्टिका है, तो पार्क की नींव रखने वाले राजा वीरभद्र की पट्टिका गायब है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये पट्टिका क्या यहाँ पर लग पाती है या नहीं। सोलन का यहाँ का स्थायी नागरिक हूँ। ये कोई 3 हफ्ते पहले लगभग 1 माह के पूर्व यहाँ रात्रि में मतलब जो है आग लग गई थी। आग लगने के कारणों का भी कोई पता नहीं लग सका है, क्योंकि मध्य रात्रि में ये इस प्रकार की वो हुई है। और ये बिल्कुल जो शिलान्यास पट्टिकाएं थी उसमें एक पट्टिका जो है पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा जो शिलान्यास किया गया था वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। इस संदर्भ में मैंने जो है माननीय जिलाधीश महोदय के समक्ष जो है एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, इस मामले को मतलब उनके संज्ञान में लाया था कि ताकि ये ऐसा है कि मतलब समय पर जो है एक नई प्लेट यहाँ पर लगा दी जाए। यदि उन्हें लगता है कि किसी ने इस प्रकार की शर्त की है तो उसके खिलाफ़ भी मतलब इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक जो है कोई भी ना कार्रवाई हुई ना ही किसी प्रकार की कोई ये प्लेट लगाई गई है। वो मतलब जो ये शिलान्यास की जो ये पट्टिका है ये पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा जो है ये शिलान्यास द्वारा लगाई गई थी, जिसका मतलब इस प्रकार से जो है मतलब शहर के बिल्कुल मध्य स्थान में इसका निरादर हो रहा है, और जिसके ऊपर ना तो यहाँ का प्रशासन इस तौर कोई वो देख रहा है, ना इसमें मतलब अन्य मतलब पार्टी के लोगों को भी महसूस के ऊपर वो कहूँगा कि भी उन्हें भी ये देखना चाहिए कि भी वो मतलब ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा जो किया गया कार्य है उसके ऊपर कम से कम उसको इस प्रकार से वो ना किया जाए, उनका निरादर ना किया जाए, उनको सम्मान पूर्वक जिस प्रकार से यहाँ पर पट्टिका लगी थी उसे वैसे ही स्थापित किया जाए। मतलब कांग्रेस नेताओं का नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक दो नेताओं के संज्ञान में ये मामला लाया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे यहाँ रात्रि में आग लग गई थी और उससे ये जो यहाँ ऐसे ऐसे मतलब ये वो प्लेट शिलान्यास पट्टिका वो हो गई है, इसे मतलब देखो इसके ऊपर वो देखा जाए, तो वो भी मतलब इसके ऊपर बोलने से मतलब चुप रह रहे हैं। शहर के बीचों बीच की बात है, कहीं गाँव की या देहात की या कहीं साइड की बात होती तो उनके पास शायद जाने का समय ना होता या गाड़ी गुड़ी की व्यवस्था नहीं होती। ये तो बिल्कुल ऐसा है मध्य शहर के अंदर है, यहाँ तो कोई वैसे ही घूमता घूमता भी आए वो वहीं से क्रॉस होता है, लेकिन उस और फिर किसी नेता का ध्यान नहीं जा रहा है।